नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोभाल सिंह पंवार है और मैं देवास में रहता हूँ। तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है जो बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण है, इसलिए आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। अगर कुछ गलत हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूँ आपसे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे भारतवासियों से सभी निवेदन करता हूँ, मैं दोनों से या सभी भारतवासियों से निवेदन करता हूँ कि हमारे जो लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। कोई भी पार्टी की बात नहीं है इसमें, बात यह है कि मुझे अपने देश की और अपने देश के भाइयों बहनों की बहुत चिंता है। तो मुझे इसी बात का डर है, हमेशा यही रहता, डर लगा रहता है कि अब मैं क्या बताऊँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ। मुझे आपसे, अपने देश से, भाइयों बहनों माताओं सभी की चिंता होती है, पर अब क्या कर सकते हैं भैया, मुसीबत ही ऐसी आई है हमारे देश के ऊपर। और हाँ, कुछ लोग मोदी जी के विरोधी वीडियो बनाकर ना पोस्ट करें, उसमें दिक्कत ये आ रही है कि मोदी जी ऑलरेडी वैसे ही परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, और आप ऐसे वीडियो बनाएंगे तो और ज़्यादा परेशान होंगे। होना जाना कुछ भी नहीं है, अगर आप ऐसे वीडियो बनाओगे सही तो आप उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या कर सकते हो आप, परेशानी कर सकते हो, वो हमारे देश की सेवा में लगे हुए हैं, सेवा के बावजूद वो इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं। इलाज ढूंढने के बजाय आपको उनकी मदद करना चाहिए, पर आप वो तो कुछ कर नहीं रहे हो और ऊपर से इससे वीडियो बनाकर उन्हें परेशान कर रहे हो। मैं कोई पार्टी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पार्टी का आदमी नहीं हूँ। और जैसे माननीय ये जो सचिन खान, अभी एक मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी, फेसबुक पर डाली इन्होंने, माननीय सचिन खान जी आपने कुछ वीडियो डाली है कि मोदी जी ने ये करा, मोदी जी ने वो करा, बाकी मेरे भाइयों ने और भी बहुत सारों ने देखी होगी। अगर ये मेरी वीडियो अगर वो भी देखें तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि ऐसी वीडियो ना डालें, आरोपी वीडियो ना बनाएं, ना लगाएं क्या। और हमारे मोदी जी भारत को अपनी भारत माँ मानते हैं, और कोई इस समय अपनी माँ के ऊपर ऐसा भयंकर महामारी का काम चल रहा है और आप लोग ऐसे में उनको परेशान कर रहे हो। अगर आपके घर में कोई बीमार है, दुखी है, तो आपके घर में अगर कोई मजाक करता है तो आपको अच्छा लगता है, बोल दीजिए। अगर आपके घर में मान लो कि ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है, ये अच्छा खेल रहा है, अगर ये अचानक बीमार हो जाए कि ये आईसीयू में भर्ती है, अगर आप लोग आके कोई से मुझसे आप मजाक करोगे तो क्या मैं मजाक आपसे करूँगा, बोलो। यही का यही हाल हमारे मोदी जी का है। आप उनसे ऐसे वीडियो बनाकर अगर आप पोस्ट करते हो तो क्या बिगड़ता, आपका क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या आप मोदी जी की जगह प्रधानमंत्री बन जाओगे? ऐसा प्रधानमंत्री तो नसीब वालों को, किस्मत वाले को, सबको मिलता है, ना इटली में, ना चीन में, और ना अमेरिका में, कहीं भी नहीं है। मैं तो ये वादा करता हूँ आपसे। अब इससे जबकि आप ऐसे वीडियो बनाते हो, या हमने लॉकडाउन करा है, ठीक है, लॉकडाउन करने से मुझे भी पता है, आपको भी पता है और मोदी जी को भी पता है कि भारत को आमदनी के विषय में नुकसान ही है, पर ज़रूरी है कि हमारे देश की जनता को जिंदा रखना, ना कि मारना। चलो एक छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, क्या मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि मैं हूँ, चलो मैं कोरोना या फिर कोरोना का पॉजिटिव संक्रमित व्यक्ति हूँ, ठीक है, मैं घर में से बाहर निकला, ठीक है। अब मैं घर में से बाहर निकला, मैं किसी सामान के पास में गया, मैं किसी सामान या किसी किराने की दुकान के पास में गया, हो सकता है वहाँ काउंटर के ऊपर कुछ पाइप हो, कुछ रेलिंग हो, मैंने उस चीज़ को हाथ लगाया, तो हो सकता है कि मेरे हाथ से मेरे शरीर के वायरस उस पाइप में लगे हों। उस पाइप में लगने के बाद मैं वहाँ से आ गया, उस पाइप को दुकानदार ने भी हाथ लगाया हो, उसके बाद में मेरे जाने के बाद में वहाँ किसी और अन्य व्यक्ति, मेरे भाई ने लगाया हो या फिर मेरे दोस्त ने लगाया हो, और वही लोग अपन जब घर आए हैं तो वो बीमारी मैं अपने घर लेके आ गया, मैंने दुकान वाले को दे दी, उस दुकान वाले ने मेरे दोस्त को दे दी, मेरे दोस्त ने उसके घर में दे दी, उसके घर वाले ने बाहर वाले से मिले, महिलाएं पड़ोसी से बात करने गई, उनसे मिली, टल्ला मार मार के बात करी, उन्होंने
कितने लोगों को उन्होंने उनके रिश्तेदारों को ऐसे कर करके वो पीढ़ी वाई मतलब एक कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ती जुड़ी दिखती गई क्या। और वो जुड़ने के बाद में ये हुआ कि सोचो अगर वही एक महीने तक की प्रक्रिया चलती रही तो आप लोग आपके रिश्तेदार कितने लोगों से मिले और कितने लोगों को आपने संक्रमित किया। तो क्या जाता है अगर सॉरी माफ़ी चाहूँगा वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं बता रहा था कि मैंने पेट्रोल डलवाया, मैं घर गया, मैं वही बीमारी अपने साथ में ले गया, अपने परिवार को परेशान करा, बीमार करा, संक्रमित करा। इसके बाद में मैं अपने घर गया तो अपने घर वाले को करा, अपने घर वाले को थोड़ी ना पता कि मेरा बेटा बीमार ही लेके आएगा, वो तो आके गले ही मिलेंगे, आशीर्वाद देंगे, चुम्मा चाटी करेंगे, हैं। वही बात जब उनको संक्रमित हो गया वो अन्य बात करो तो ये श्रृंखला चलती आएगी। तो लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि इस श्रृंखला को तोड़ना है, इस चेन को तोड़ना है। जितने भी मरीज हैं, संक्रमित हैं, उनको अस्पताल ले जाओ, आराम से उनका इलाज हो रहा है, जहाँ तक उनको पता संक्रमित इलाज हो रहा है। जब वह लास्ट स्टेज पे तुम पहुँच जाओगे तो भैया बुखार का भी इलाज नहीं है, टट्टी खांसी से तुम मर जाओगे अगर लास्ट स्टेज पे पहुँचने के बाद। तो अब मैं आपको इसमें ये बताऊँ कि मैं ये चाहता हूँ कि क्या चाहते हैं अपन, ऐसे मरे कोरोना से कि मौत से मरे। आप लोगों ने मजबूर किया है कर्फ्यू लगाने के लिए, नहीं तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं थी। आप लोग मानते नहीं हो, बाहर निकलते हो बीड़ी सिगरेट विमल घूमना फिरना, इससे अच्छा है कि घर में रहो। घर में रहना ज़रूरी है, कोई नुकसान नहीं घर में रहने से। मैं खुद इस मजबूरी में हूँ कि अगर चाहूँ तो कभी भग सकता हूँ, पर रहना पड़ रहा है, मजबूरी है। इसे मजाक में मतलब कोरोना है, आपने देखा चीन वगैरह सब ध्वस्त हो गए, सब नष्ट हो गए, जनसंख्या खत्म हो गई है, और ये अपना भारत है, सोने की चिड़िया है, तो इसको सोने की चिड़िया ही बरकरार रखना है, और मोदी जी उसी प्रयास में लगे हैं। तो आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अपने देश के जो महान नेता मोदी जी, उनकी भावनाएं, उनके जो निर्देश है, जो लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, उनका पालन करें, उल्लंघन ना करें, अपने घर में रहें और घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं सोवाल सिंह पवार।